सोशल मीडिया पे एवरीवन इज हैप्पी, सबकी लाइफ परफेक्ट चल रही है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। वेकेशंस पे जा रहे हैं लोग, पार्टी कर रहे हैं, देर लुकिंग देर बेस्ट, मेकअप करके, अच्छे ड्रेसेस पहन के, महंगे घरों में रह रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं। इवन अगर कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें, इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, तो दे आर ओनली अचीविंग माइलस्टोन्स। किसी के सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो रहे हैं 100K, किसी को बड़े बड़े ब्रांड डील्स मिल रहे हैं, जिनको ब्रांड डील्स, जो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं ब्रांड डील्स, उसके बारे में भी वो लोग पोस्ट कर रहे हैं कि हाँ मैंने 2 लाख का ब्रांड डील रिजेक्ट कर दिया। एंड फ्रीलांसर्स आर जस्ट मेकिंग मनी, यू नो, पैसिव इनकम एंड ऑल दैट। एंड आई फील लाइक एवरीबडी इज लिविंग देयर बेस्ट लाइफ, सबको लाइफ में जो चाहिए वो मिल रहा है। बट इज दिस इवन पॉसिबल? मतलब मैं रियल लाइफ में जितने भी लोगों से मिलती हूँ, जितने लोगों को भी जानती हूँ, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं यार। सब कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज़ को लेके स्ट्रगल कर रहे होते हैं, सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सब दुखी हैं, बट कुछ ना कुछ तो ऐसी मिजरी होती है आपकी लाइफ में, जो एक सिग्निफिकेंट पार्ट होती है आपकी लाइफ। नॉर्मल पीपल हैव प्रॉब्लम्स, नॉर्मल पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड विद लॉट ऑफ थिंग्स, बट वाई डोंट वी सी ऑल दैट, यू नो, दैट साइड ऑफ पीपल्स लाइफ्स ऑन द इंटरनेट, ऑन द सोशल मीडिया? मतलब क्या मैं जिन लोगों से मिल रही हूँ वो गलत टाइप के लोग हैं, या फिर सोशल मीडिया पूरा फेक है? आई थिंक पीपल आर नॉट शेयरिंग देयर द नेगेटिविटी इन देयर लाइफ, द सैडनेस, बिकॉज, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज मैं खुद भी, आपने मेरे कितने ऐसे रील्स देखे जिसमें कि मैं बता रही हूँ कि आज मन नहीं कर रहा कुछ भी रिकॉर्ड करने का, आज मेरे सुर ही नहीं लग रहे हैं, आज मैं बहुत रो रही हूँ, आज तो लग रहा है कि लाइफ में बस गिव अप हो गया। ऐसा मैंने कोई रील नहीं बनाया, बट मुझे दिन में 10 बार ऐसा लगता है, और मैं शायद एक हफ्ते में एक रील अपलोड करती हूँ। उसके लिए मुझे बहुत सोचना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल लगता है, 10-15 टेक्स लगते हैं, वीडियो की सेटिंग होती है, देर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल दैट गोज बिहाइंड मेकिंग अ कॉन्टेंट पीस। एंड फिर वो उसमें लाइक्स नहीं आते, तो उसके लिए फिर अगेन फ्रस्ट्रेशन। बट आई नेवर शेयर द डार्क साइड ऑफ इट, एंड नोबडी डज। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। पीपल आर जस्ट, द वे सोशल मीडिया इज डिज़ाइंड, उस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि स्क्रीन में जो आपको दिख रहा है वो अलग है, और आपकी रियल लाइफ अलग है। And real life has to be boring. Screen life has to be the life that you aspire for. And I am a victim to it. मतलब मैं भी जब किसी को देखती हूँ, किसी lifestyle blogger को देख रही हूँ अगर, तो मुझे लगता है कि यार ये सिर्फ अपनी daily life की activities record कर रहा है, and he's earning through it. People are watching it. I want this life. I aspire for. I really wish कि मैं ऐसा हो कि मैं कंटेंट क्रिएशन से ही पैसे कमा पाऊँ, बट ऐसा नहीं है मेरी लाइफ में। स्टिल आई एम स्पेंडिंग टाइम ऑन दैट स्क्रीन, आई एम नॉट लुकिंग अराउंड कि मेरे घर में टेबल है, चेयर है, फ्रिज है, दरवाजे, दीवारें हैं, ये सब देखना बोरिंग है ना। स्क्रीन पे किसी इंसान की परफेक्ट लाइफ देखना बहुत एक्साइटिंग लगता है, या फिर कोई कॉमेडी वीडियो देखना, कोई मैजिक वीडियो देखना, सब कुछ इतना परफेक्ट है स्क्रीन पे। I mean, it's an unwritten rule कि you have to look, you have to sound, you have to present yourself so perfectly on screen कि उसके comparison में real life बहुत ही घटिया लगे। And social media is totally successful in doing that. I am not complaining about social media, like I don't have a problem with it, because it's a great tool. It's probably the biggest, the most revolutionary invention of our current, you know, जनरेशन। 90% इट्स फॉर गुड, 10% इसके ड्रॉबैक्स, द डार्क साइड दैट नोबडी टॉक्स अबाउट इज दैट रियल लाइफ में लोग नॉर्मल होते हैं। कोई, नोबडी वेक्स अप लाइक विद फुल मेकअप एंड आज मैं ऐसे उठी हूँ, प्रॉपर ग्लोइंग स्किन। शायद किसी को ऐसा लगता होगा कि आई ऑल्सो हैव अ परफेक्ट लाइफ, कि मैं इतना अच्छा गाना गाती हूँ, इतना अच्छा मेरा घर है, इतने अच्छे वीडियोस बनाती हूँ, तो ये लड़की मतलब अच्छी लाइफ जी रही है। बट ऐसा नहीं है। आई हैव अ वेरी वेरी नॉर्मल लाइफ। आई वेक अप विद इनसिक्योरिटीज़, आई स्लीप विद इनसिक्योरिटीज़, देर आर मोमेंट्स ऑफ ब्रेक डाउन। ऐसा लगता है कि बस छोड़ दो, म्यूज़िक व्यूज़िक कुछ नहीं है इसमें। इट्स
फुल ऑफ स्ट्रगल्स, मतलब एवरी डे यू आर थिंकिंग कि कुछ नया करते हैं कुछ नया करते हैं, बट देन एवरी डे यू कांट गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज़. आपको मतलब इट्स नॉट वेरी एक्साइटिंग इन अ नटशेल. बट वो चीज़ मैंने शायद ही कभी शेयर की होगी. आई नेवर शेयर्ड कि मैं कल रात को रो रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं छोड़ दूँ म्यूज़िक, ये रील्स वील्स में कुछ मिल नहीं रहा है, नो ब्रांड इज़ कमिंग टू मी फॉर एनी काइंड ऑफ कोलेबोरेशन, नॉट गेटिंग एनी लाइव शोज, तो वॉट इज़ द यूज़. आई कम्प्लीटली मतलब आई स्टार्ट पुटिंग दीज टफ क्वेश्चन ऑन माई सेल्फ कि वाई एम आई डूइंग दिस, बट आई हैव नेवर शेयर दिस. प्रॉबेबली बिकॉज कि अगेन द सेम थिंग, द प्लेटफॉर्म इज डिजाइंड इन अ वे कि आप उसमें सिर्फ अच्छी चीज़ें ही शेयर करने को मजबूर हो. आप उस पर अपना रोता हुआ चेहरा, अपना ब्रेकडाउन, लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब शेयर करने के लिए नहीं बनाया है. तो इट्स अ वेब ऑफ आई वुड से फेक यू नो फेक थिंग्स, लाइज एंड एवरी थिंग. बट वॉट यू नीड टू थिंक इज वॉट वी ऑल नीड टू थिंक कि वी हैव टू फिल्टर आउट एंड वी हैव टू पुट बाउंड्रीज ऑन, लाइक वी हैव टू यूज़ आर ओन ब्रेन कि वॉट टू कंज्यूम एंड वॉट नॉट टू, वॉट टू बिलीव एंड वॉट नॉट टू बिलीव. कंज्यूम को करने को हम कुछ भी कर सकते हैं, बट हमें ये कॉन्शियसली सोचना है कि जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फिल्टर्ड चीज़ है, ये रियल हो सकता है, बट इट्स नॉट द कम्प्लीट स्टोरी दैट समवन इज शोइंग अस. अगर हम स्क्रीन पे 30 सेकेंड का रील देख रहे हैं, उसमें 10 ट्रांजिशंस हो रहे हैं अलग अलग ड्रेसेस में अलग अलग लोकेशन पे, तो दैट इज नॉट इवन 1% ऑफ दैट पर्सनस लाइफ. उसकी लाइफ में हो सकता है घर से फैमिली से झगड़ा करके आई हो और फिर रील्स बना रही हो एंड देन उस पर मिलियन व्यूज आ रहे हैं एंड पीपल आर एडमायरिंग दैट कॉन्टेंट, बट हो सकता है इसकी पर्सनल लाइफ इज फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन. तो कीप दैट थॉट इन माइंड. एंड कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, कितना भी बड़ा, इनफैक्ट जितना बड़ा इन्फ्लुएंसर होगा उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा उसकी लाइफ में. ऐसा बिल्कुल नहीं हमें सोचना चाहिए कि इस बंदे की लाइफ परफेक्ट है जस्ट बिकॉज दे आर अर्निंग वेल और दे आर मेकिंग. हाँ, गुड अर्निंग से आपकी लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है, बट ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में दुख दर्द कम हो जाता है, दुख दर्द और बढ़ जाता है. जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं ऐसा बहुत सोचती थी कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इनकी लाइफ कितनी सही है, ऐसा बनना है, और वो देख देख के मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, बट द मोर आई एंटर्ड इनटू इट आई रियलाइज्ड कि दे आर नॉट परफेक्ट. नो बडी इज़ परफेक्ट, नो बडी हैज़ अ परफेक्ट लाइफ. वो सिर्फ दिखा रहे हैं, दे आर सेलिंग अ स्टोरी एंड द रीज़न दे आर सेलिंग अ स्टोरी इज बिकॉज स्टोरीज गेट व्यूज और स्टोरीज से ही ब्रांड्स अट्रैक्ट होती है. मैं सिर्फ गाने गा रही हूँ, सिर्फ सिंगिंग से ब्रांड्स आर नॉट अट्रैक्टेड टू मी. इफ आई स्टार्ट टेलिंग स्टोरीज मे बी आफ्टर दिस वीडियो, आई डोंट नो, तो दैट्स नॉट द पर्पज ऑफ दिस वीडियो, बट आई एम टेलिंग यू कि अगर आप एक स्टोरी सेल कर रहे हो, एक लाइफ स्टाइल सेल कर रहे हो, एक मतलब फुल पैकेज शेयर सेल कर रहे हो कि ये मेरी लाइफ है, इतना अच्छा, मैं इतने अच्छे कपड़े पहनता हूँ, इतने अच्छा मेकअप लगाता हूँ, दैट इज़ अ क्यू. वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि यू आर बेसिकली कॉलिंग ब्रांड्स टू गिव यू कोलैब्स. दैट इज़ द होल पर्पज़ ऑफ डूइंग इट. वो रियल नहीं है, मतलब रियल लाइफ उनकी ऐसी नहीं है कि वो लहंगे पहन के घर में घूम रहे. ऑब्वियसली यू नो दिस, बट जो कुछ भी हम देखते हैं, लाइक इवन पीपल आर शेयरिंग एग्जॉटिक लोकेशन के वीडियोस, तो उनको भी ट्रैवल कोलैब्स आते हैं. दैट इज़ व्हाई दे आर डूइंग इट. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो रियल नहीं है, ऑब्वियसली सब रियल है, बट उनकी लाइफ का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है वो. आपको उनको देख के या मुझे उनको देख के ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दे आर हैविंग अ ग्रेट लाइफ. तो इफ देर इज एनी एस्पेक्ट ऑफ सोशल मीडिया दैट आई मिस्ड हियर, प्लीज़ लेट मी नो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.